Hey, what's up guys? Welcome to my channel. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना 576 का. चलिए स्टार्ट करते हैं. उसके लिए आप क्या करेंगे, 576 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है. फिर देखें, आपको पहले उसके लिए फैक्टर्स फाइंड आउट करना होगा. तो आप फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 576 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है. इवन है, सिक्स है, तो इसका क्या मतलब, हम यहाँ पे टू ले सकते हैं, ठीक है. टू लेने के लिए, टू फैक्टर यहाँ पे लेने के लिए रूल होता है उस, ठीक है. वो रूल ये होता है कि टू फैक्टर है, ठीक है, उसको लेने के लिए ये रूल है कि लास्ट डिजिट जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो या एट हो. तो हमारे पास तो सिक्स आ रहा है, इसका क्या मतलब, हम यहाँ पर टू लेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है. टू के टेबल में फाइव आता है, नहीं आता, लेकिन फोर आता है. तो ये क्या बन गया, फाइव से फोर बन गया, ठीक है. टू कितनी सा फोर हो जाएगा, टू टू ज़ा फाइव था, ये फोर बना. इसका वन कहाँ गया, इसने कैरी दे दिया इसको, ये बन गया सेवनटीन. टू के टेबल में सेवनटीन आता है, नहीं आता, लेकिन सिक्सटीन आता है. ये क्या बन गया, सिक्सटीन. टू के टेबल में सिक्सटीन आ गया, एट ज़ा, ये सेवनटीन था, सिक्सटीन बना. इसका वन कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया सिक्सटीन. टू के टेबल में सिक्सटीन आ गया, एट ज़ा. अब हम यहाँ पे फिर से टू फैक्टर ले सकेंगे, यस ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट एट है. मैंने कहा था इनमें से कुछ भी होगा लास्ट डिजिट तो हम टू ले सकेंगे. तो यहाँ पे हम अगेन टू फैक्टर ले लेंगे. टू कितनी ज़ार टू आ जाएगा, वन ज़ार. टू कितनी ज़ार एट हो जाएगा, फोर ज़ार. और टू कितनी ज़ार एट हो जाएगा, फोर ज़ार. यहाँ पे फिर देखिए, हम टू ले सकते हैं फैक्टर. क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट फोर है, तो आप ले सकेंगे, ठीक है. क्योंकि लास्ट डिजिट इनमें से कोई होना चाहिए था, तो हमारे पास फोर है, इसका मतलब हमने यहाँ पे फिर से टू ले लिया. टू के टेबल में फोर्टीन आ गया, सेवन ज़ार. टू कितनी ज़ार फोर होता है, टू टू ज़ार. फिर लास्ट डिजिट है हमारे पास टू, तो इसका क्या मतलब है, फिर से आप टू ले लें. टू के टेबल में सेवन आता है, नहीं आता, लेकिन सिक्स आता है. टू के टेबल में सिक्स कहाँ ज़र आता है, थ्री ज़ार. ये सेवन था, सिक्स बना. इसका वन कहाँ गया, इसने इसको कैरी दे दिया, ये बन गया ट्वेल्व. टू के टेबल में ट्वेल्व आ गया, सिक्स ज़ार. फिर आपके पास 36 आ गया, लास्ट डिजिट चेक करें, 6 है, तो आप यहाँ पे फिर से 2 ले लें. 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है, तो 2 के टेबल में 2 आता है, 1 ज़ार. 3 था, ये 2 बना, इसका 1 यहाँ पे चला गया, ये बन गया 16. 2 के टेबल में 16 आ गया, 8 ज़ार, ठीक है. फिर अब आप देखें, आपके पास है 18, ठीक है. लास्ट डिजिट चेक करें, 8 है, फिर से 2 ले सकते हैं यहाँ पे. 2 कितनी ज़ार 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ार होता है, ठीक है. अब आपके पास नाइन आ गया, अब यहाँ पे आप टू ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि रूल को देखें तो हमारे पास ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स या एट कुछ है इनमें से, कुछ भी नहीं है. तो हम इसका मतलब है हम नहीं यहाँ पे टू ले सकते, ठीक है. टू तो कैंसिल हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टू तो रिजेक्ट हो गया, हम टू फैक्टर यहाँ पे नहीं ले सकते, तो थ्री लेंगे. टू से टू के बाद थ्री आता है, थ्री में देखेंगे. थ्री के टेबल में नाइन आ जाता है, तो हमें डायरेक्ट हुआ तो पता है, थ्री थ्री ज़ार नाइन आ गया, और थ्री वन ज़ार थ्री आ गया. अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं, आप यहाँ पे पहले लिख दें क्या आए हैं. टू इंटू टू कितने टाइम्स टू है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम्स टू है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है. और थ्री कितने टाइम्स है, टू टाइम्स, तो थ्री इंटू थ्री, ठीक है. हम लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो 576 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, और इसके ऊपर भी आ गया. हम सब कुछ इसमें लिख लेंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू, ठीक है. और ये अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है इस बात का कि स्क्वायर जो है अंडर रूट से स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है. तो हम लोग क्या करेंगे, टू टू पेयर्स का, टू टू नंबर्स के पेयर्स बना लेंगे. टू टू टाइम्स है तो टू का स्क्वायर आ गया, फिर टू टू टाइम्स है तो टू का स्क्वायर आ गया, फिर टू टाइम टू टू टाइम्स है तो टू का स्क्वायर आ गया, थ्री भी टू टाइम्स है तो थ्री का स्क्वायर आ गया. अब आपने पेयर्स क्यों बनाए, आपको पता चला, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, वरना ये सारा बाहर नहीं आ सकना था. हम कह रहे थे कि हम बाहर निकल के आए, तो हम इसी कंडीशन में निकाल सकते हैं कि हम पेयर्स बना लें. टू का स्क्वायर कर लिया, टू का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, ठीक है, और थ्री का भी स्क्वायर कर लिया. तो स्क्वायर एंड रूट से जब कैंसिल हुआ, ये भी टू बाहर आ गया, ये भी टू बाहर आ गया, ये भी टू और ये वाला थ्री. अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है. तो क्या आ जाएगा, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर. तो अंडर रूट 576 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 24. क्या हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें, स्क्वायर अंडर रूट 576 का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के. तो 24 इसका आंसर आ गया, ठीक है. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.